कानूनी स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में आपने देखा था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में। आज मैं उसी के बेस पे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.4 सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है। उसी पे बेस्ड जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, उसी पे बेस्ड जो है आज मैं एक्सरसाइज 3.4 सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.4, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इज टेलिंग यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इफ इट एग्जिस्ट इन एक्सरसाइज क्वेश्चन 1 to 17। क्वेश्चन 1 से 17 तक हमें क्या करना है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके हमें इन्वर्स निकालना है, अगर उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो, ठीक है। तो फर्स्ट हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 गिवेन, लेट ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1, 2, -1 एंड 3, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है तो हम लोग जानते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन से ए इक्वल टू आई ए हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए को लिख सकते हैं 1, 2, -1, 3 इज इक्वल टू आई जी 1, 0, 0, 1 इंटू ए को एज इट इज रहने देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसको 1 फिर इसको 0, 1 तो ये एज इट इज है, इसको 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए हम लोग कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, आर टू की जगह पे लिखेंगे R2 -2 times of R1, ये हो जाएगा। तो 2 ये तो फर्स्ट रो एज इट इज रह जाएगा, 2 -2 times of 1, 0, और ये हो गया 3 -2 times of -1, तो -2 into -1 +2, 3 + 2 5, ठीक है। अब इसमें लगाएंगे हम लोग क्या हो गया, ये 1, 0 फर्स्ट रो एज इट इज रह जाएगा, 0 -2 times of R1, तो 0 - 2 into 1 -2, और ये हो गया 1 - 2 times of 0, ये 1 एज इट इज रह जाएगा इंटू ए, ओके। अब क्या करेंगे, 1, 0 बन गया, अब इसको 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के क्या करेंगे, R2 की जगह पे लिखेंगे 1/5 times of R2, ये ऑपरेशन लगाएंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 - 1 एज इट इज 0/5, 0, और ये 5/5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1, ओके। अब इसमें हम वही करेंगे, 1, 0 - 2/5, और ये हो जाएगा 1/5 इंटू ए, ठीक है। ये 1, 0, 1 हो गया, ये इसको अब हमें 0 बनाना है, ठीक है। इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, R1 के जगह पे लिखेंगे R1 + R2, अगर इसको ऐड कर दें तो ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, 0, और ये हो गया 1 में 0 जोड़ेंगे तो ये 1 रह जाएगा, और ये सेकेंड वाई एज इट इज रहेगा, और -1 + 1 ये 0 हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, R1 + R2, 1 और -2/5 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/5 - 2/5, 3/5, ये हो गया 0, अब +1/5, 1/5, और ये रह गया -2/5, ये हो गया 1/5 इंटू ए, ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए इन्वर्स निकल के हमारा आ गया, ए इन्वर्स इज इक्वल टू 3/5, 1/5, -2/5 एंड 1/5, ये हो गया हमारा इन्वर्स, ठीक है। 3/5, 1/5, -2/5, 1/5, ये हो गया हमारा सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस एक्सरसाइज 3.4, ओके। क्वेश्चन नंबर टू गिवेन ए मैट्रिक्स 2, 1, 1, 1, ओके। ये दिया हुआ है हमारे पास, हमें एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करना है, ए इक्वल टू आई ए, ठीक है। ए इक्वल टू आई ए तो हम लिख सकते हैं, ए के जगह पे लिख देंगे 2, 1, 1, 1 इज इक्वल टू 1, 0, 0, 1 इंटू ए एज इट इज, ओके। अब इसमें हम क्या करेंगे, ऑपरेशंस लगाएंगे, कौन सा ऑपरेशंस लगाएंगे, इसको 1 बनाए इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, R1 को R2 से इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है। R1 को R2 से इंटरचेंज करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1, 1, 2, 1 इज इक्वल टू 0, 1, 1, 0, क्या किया, आपस में R1 और R2 को इंटरचेंज कर दिया। अब ये 1 हो गया, इसको हमको 0 बनाना है, तो क्या ऑपरेशन लगाएंगे, R2 के जगह पे R2 - 2 times of R1, ठीक है। ये ऑपरेशंस लगाएंगे हम इसमें, तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो तो एज इट इज रह जाएगा, सेकेंड रो 2 - 2 times of 1, 2 - 2 into 1 is 2 - 2, 0, 1 - 2 times of 1, तो 1 - 2 - 1, ओके। ये हो गया, अब ये फर्स्ट रो एज इट इज रह जाएगा, सेकेंड रो 1 - 2 times of 0, ये 1 ही रह जाएगा, 0 - 2 times of 1, -2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कहेंगे, 1, 0 ये हो गया, इसको 1 बनाना है, इसको 1 बनाने के क्या लिखेंगे, R2 के जगह पे -1 times of
आर टू, मैंने माइनस वन से आर टू में हम मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, ठीक है। माइनस वन से रो टू में मल्टीप्लीकेशन करेंगे, वन वन माइनस वन इंटू जीरो जीरो, माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस वन, ओके। इसमें हो जाएगा जीरो वन माइनस वन से मल्टीप्लीकेशन माइनस वन, ये हो जाएगा प्लस टू, ये हो गया हमारे पास। अब इसको हमको जीरो बनाना है, इसको जीरो बनाने के लिए करेंगे आर वन के जगह पर लिखेंगे आर वन माइनस आर टू, आर वन में से आर टू को घटा देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, देखो वन माइनस जीरो वन, वन माइनस वन जीरो, जीरो वन इज इक्वल टू जीरो माइनस ऑफ माइनस वन, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा वन, वन माइनस टू माइनस वन, ये माइनस वन, ये टू, ये ए, ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमारे पास ए इनवर्स निकल के आ गया, ए इनवर्स इज इक्वल टू वन माइनस वन माइनस वन एंड टू, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर टू, ओके। अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री गिवेन ए मैट्रिक्स वन टू थ्री सेवन, ठीक है। अच्छा बच्चों, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो एक शॉर्टकट भी हमने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि अगर सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा और ऐसा क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो हम लोग इतने लंबे प्रोसेस से सॉल्व नहीं करेंगे, हम लोग उसको शॉर्टकट से निकालेंगे। अगर हम इसको शॉर्टकट से निकालें तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू वन बाई टू इंटू वन, टू माइनस वन इंटू वन, वन इंटू हो जाएगा, इसको इंटरचेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा वन, ये टू, ये हो जाएगा माइनस वन, ये माइनस वन, देख सकते हैं ये जो हो जाएगा वन बाई टू माइनस वन, वन वन माइनस वन वन हो जाएगा और ये एज इट इज सेम आएगा। तो आप शॉर्टकट से भी इसको निकाल सकते हैं, लेकिन वो तब जब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा गया हो, ठीक है। अगर सब्जेक्टिव में लिखा हुआ है कि एलिमेंट्री रो का ऑपरेशन कीजिए यूज करते हुए करना है तो हमें प्रोसेस से ही करना पड़ेगा, ठीक है। अब चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू आई ए, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स को हमने लिख दिया वन टू थ्री सेवन इज इक्वल टू वन जीरो जीरो वन इंटू ए। अब हम यहाँ क्या करेंगे, वन तो एज इट इज है, इसको हमें जीरो बनाना था, हम लिख सकते हैं आर टू के जगह पे आर टू माइनस टू टाइम्स ऑफ आर वन, ओके। ये ऑपरेशंस लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये फर्स्ट रो एज इट इज आ जाएगा, टू माइनस टू माइनस टू टाइम्स ऑफ वन, टू माइनस टू जीरो, सेवन माइनस टू टाइम्स ऑफ थ्री, टू टाइम्स ऑफ थ्री सिक्स, सेवन माइनस सिक्स वन, ओके। ये हो गया फर्स्ट रो एज इट इज, सेकेंड रो जीरो माइनस टू टाइम्स ऑफ वन तो माइनस टू, वन माइनस टू टाइम्स जीरो, ये हो जाएगा वन एज इट इज, ठीक है। अब क्या करेंगे, वन जीरो जीरो ये हो गया, इसको हमें जीरो बनाना है। इसको जीरो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, आर वन के जगह पे आर वन माइनस थ्री टाइम्स ऑफ आर टू लिख देंगे, ऑपरेशंस यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर वन माइनस थ्री टाइम्स ऑफ आर टू, वन माइनस थ्री टाइम्स ऑफ जीरो वन, थ्री माइनस थ्री टाइम्स ऑफ वन, थ्री माइनस थ्री जीरो, ये जीरो, ये वन एज इट इज, ये हो गया आर वन, वन माइनस थ्री टाइम्स ऑफ माइनस टू, माइनस थ्री इंटू माइनस टू प्लस सिक्स और प्लस वन, ये हो जाएगा सेवन, ये हो गया जीरो माइनस थ्री टाइम्स ऑफ वन, तो ये हो जाएगा माइनस थ्री, ये हो जाएगा माइनस टू और ये हो जाएगा वन, ठीक है। और इंटू ए, ये आ गया आई, ठीक है। तो यहाँ से हमें ए इनवर्स निकल गया, ये हो गया आई इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए, तो ए इनवर्स मैट्रिक्स ये हो जाएगा सेवन माइनस टू माइनस थ्री वन, ये हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर थ्री, ओके। अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर फोर। आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। पेज नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर, सॉरी क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर, ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू टू फाइव थ्री सेवन, ओके। तो हम क्या लिख सकते हैं फिर, एलिमेंट्री ऑपरेशन से ए इक्वल टू आई ए। अब हम लिखेंगे टू फाइव थ्री सेवन इज इक्वल टू वन जीरो जीरो वन इंटू ए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको इसको वन बनाना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, आर वन को वन बाई टू टाइम्स ऑफ आर वन कर देंगे, ठीक है। वन बाई टू टाइम्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टू बाई टू इंटू वन बाई टू वन, थ्री इंटू वन बाई टू थ्री बाई टू, ये हो गया फाइव, ये हो गया सेवन। इसको अगर वन बाई टू समझ पाए, वन बाई टू जीरो जीरो वन, ये हो जाएगा ए, ओके। अब क्या करेंगे, वन हो गया, इसको जीरो बनाना है तो हम क्या लिखेंगे, आर टू के जगह पे आर टू माइनस फाइव टाइम्स ऑफ आर वन, ये ऑपरेशंस लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये फर्स्ट रो एज इट इज वन और थ्री बाई टू, फाइव माइनस फाइव टाइम्स ऑफ वन जीरो, और ये हो गया सेवन माइनस फाइव टाइम्स ऑफ थ्री बाई टू, फाइव टाइम्स ऑफ थ्री बाई टू फिफ्टीन बाई टू, फिफ्टीन बाई टू सेवन माइनस फिफ्टीन बाई टू, सेवन इज फोर्टीन बाई टू, फोर्टीन बाई टू माइनस फिफ्टीन बाई टू माइनस वन बाई टू, ओके। कैसे हुआ देखिए, सेवन माइनस फाइव इंटू थ्री फिफ्टीन बाई टू, और सेवन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फोर्टीन बाई टू, फोर्टीन बाई टू माइनस फिफ्टीन बाई टू इक्वल टू माइनस वन बाई टू, ओके। अब क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे फर्स्ट रो तो एज इट इज रह जाएगा, सेकेंड रो हो जाएगा आर टू माइनस फाइव टाइम्स ऑफ आर वन, तो जीरो माइनस फाइव टाइम्स ऑफ हाफ तो फाइव बाई टू, तो माइनस फाइव बाई टू, और वन माइनस जीरो ये हो जाएगा वन, ओके। तो
ये आ गया 1 0। अब हमें इसे 1 बनाना है। इसे 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, R2 के जगह पे हम क्या करेंगे, -2 टाइम्स ऑफ R2 कर देंगे, -2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, -2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो तो एज इट इज रह जाएगा, -2 × 0 0, -2 × -1/2, -2 प्लस एंड 2 कैंसिल आउट, ये 1 बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट रो एज इट इज एंड सेकेंड रो में हो जाएगा -5/2 × -2, -2 प्लस 2 कैंसिल आउट 5 एंड -2, 1 × -2 -2, ये हो जाएगा ए एज इट इज, 1 0 1 हो गया। अब इसको हमें 0 बनाना है, इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, R1 के जगह पे लिखेंगे R1 - 3/2 टाइम्स ऑफ R2। ओके, ये ऑपरेशंस लगाएंगे, ये हो जाएगा 1 - 3/2 टाइम्स ऑफ 0 1, 3/2 - 3/2 टाइम्स ऑफ 1, 3/2 - 3/2 0, ये 0 ये 1। ओके, ये हो जाएगा 1/2 - 5 × 3/2, 5 × 3/2 हो गया 15/2, तो 1/2 - 15/2 -14/2, -14/2 मतलब -7, ये हो गया फिर 0 माइनस ऑफ -3/2, -- प्लस 2 कैंसिल आउट 3 प्लस 3, ये हो गया 5, ये हो गया -2, ये हो गया a, तो ये हो गया I = A inverse × A, तो a inverse हमारे पास यहाँ से मिल गया -7, 3, 5 एंड -2, ये हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। ओके, अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, ए मैट्रिक्स 2 7 1 4। ओके, अब यहाँ भी हम क्या लिख सकते हैं, A = IA, तो यहाँ लिख देंगे हम 2 7 1 4 = 1 0 0 1 × A। ओके, ये क्या करेंगे, इसको हमको फिर से 1 बनाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, R1 की जगह पे लिख सकते हैं 1/2 टाइम्स ऑफ R1। ओके, तो ये करेंगे 1/2 टाइम्स ऑफ 1/2 × 2 1, 1 × 1/2 1/2, ये 7 एज इट इज 4 एज इट इज = 1/2 0 0 1 × A, ये 1 हो गया, इसको 0 बनाना था। R2 की जगह पे हम क्या करेंगे, R2 - 7 टाइम्स ऑफ R1, ये ऑपरेशंस लगाएंगे। ये ऑपरेशन लगाने से क्या हो जाएगा, ये 1 1/2 एज इट इज रह जाएगा, 7 - 7 टाइम्स ऑफ 1 0, 4 - 7 टाइम्स ऑफ 1/2, 7 टाइम्स ऑफ 1/2 क्या हो जाएगा, -7/2, और 4 को लिख सकते हैं हम लोग 8/2, तो 8/2 - 7/2 1/2, तो ये हो गया 1/2। ओके, अब हो गया ये 1/2 और 0 एज इट इज, अब हो गया 0 - 7 टाइम्स ऑफ 1/2, तो ये हो जाएगा -7/2, और ये हो गया 1 - 0, ये हो जाएगा 1, 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसको 1 बनाएंगे। ठीक है, इसको 1 बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, R2 की जगह पे लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ R2, ये हम लगाएंगे। ठीक है, देखते हैं इसके बाद क्या होता है। अगर हमने इसमें R2 की जगह पे 2 टाइम्स ऑफ R2 किया तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो एज इट इज रह जाएगा, 2 × 0 0, 2 × 1/2, ये बन जाएगा 1, = 1/2 एज इट इज 0 एज इट इज, -7/2 × 2 -7, 1 × 2 2। अब क्या करेंगे, इसको 0 बनाएंगे। R1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, R1 - 1/2 टाइम्स ऑफ R2 करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, तो क्या करेंगे यहाँ पे, 1 - 1/2 टाइम्स ऑफ 0 1 ही रह जाएगा, 1/2 - 1/2 0, ये 0 ये 1, 1/2 - 1/2 × -7, तो -- प्लस, और वही हो जाएगा 7/2, 7/2 + 1/2 8/2, ये हो जाएगा 4। ठीक है, 0 - 1/2 × 2 2 कैंसिल आउट -1, तो ये हो जाएगा -1, और ये -7 ये 2, ये हो गया a। ओके, तो ये हो गया I = A inverse × A, तो a inverse यहाँ से हमारे पास आ गया मैट्रिक्स 4 - 7 - 1 और 2, ये हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। ओके, अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 गिवन दैट ए मैट्रिक्स 2 1 5 3 A = IA। ओके, A = IA लिख सकते हैं, लिखेंगे 2 1 5 3 = 1 0 0 1 × A, इसको हमें क्या करना है, 1 बनाना है, तो क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, R1 को R2 से इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है, इंटरचेंज करने से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 3, ये हो जाएगा 2 5, ये हो जाएगा 0 1, ये हो जाएगा 1 0 और A। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको 0 बनाना है, हम लिखेंगे R2 के जगह पर R2 - 2 टाइम्स ऑफ R1। ओके, ये ऑपरेशंस लगाएंगे, क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो एज इट इज रह जाएगा, 2 - 2 टाइम्स ऑफ 1 0, 5 - 2 टाइम्स ऑफ 3 2 टाइम्स ऑफ 3 -6, तो 5 - 6 - 1। ओके, ये हो जाएगा 0 1 एज इट इज, 1 - 2 टाइम्स ऑफ 0
वन ही रह जाएगा, जीरो माइनस टू टाइम्स ऑफ वन माइनस टू इंटू ए। अब ये इसको वन बनाना है तो हम क्या करेंगे, आर टू को माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, माइनस वन इंटू आर टू। ओके, ये ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वन थ्री जीरो माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस वन इज इक्वल टू जीरो वन वन इंटू माइनस वन माइनस वन, ये हो जाएगा प्लस टू। ओके, अब इसको जीरो बनाने के लिए क्या करेंगे, आर वन के जगह पे आर वन माइनस थ्री टाइम्स ऑफ आर टू करेंगे, ठीक है, वन माइनस थ्री टाइम्स ऑफ जीरो वन, थ्री माइनस थ्री टाइम्स ऑफ वन जीरो, ये जीरो ये वन। ओके, ये हो जाएगा जीरो माइनस ऑफ माइनस थ्री, तो माइनस थ्री प्लस हो जाएगा प्लस थ्री, तो ये हो जाएगा थ्री, ये हो गया वन माइनस टू टाइम्स ऑफ थ्री, तो माइनस सिक्स प्लस वन माइनस फाइव, ये माइनस वन ये टू इंटू ए। ओके, तो ये हो गया आई इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए, तो यहाँ से हमें ए इनवर्स मिल गया थ्री माइनस वन माइनस फाइव टू, तो ये हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर सिक्स। ओके, देन अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन गिवेन ए मैट्रिक्स ए इक्वल टू थ्री फाइव वन टू। ओके, वी राइट आई ए इक्वल टू आई ए थ्री फाइव वन टू इज इक्वल टू वन जीरो जीरो वन इंटू ए। ओके, इसको हमें वन बनाना था, क्या लिखेंगे, आर वन के जगह पे वन बाई थ्री टाइम्स ऑफ आर वन, ये ऑपरेशंस लगाएंगे इसमें, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, आर वन के जगह पे वन बाई थ्री टाइम्स ऑफ आर वन, तो ये आ जाएगा हमारे पास थ्री इंटू वन बाई थ्री वन, वन इंटू वन बाई थ्री वन बाई थ्री, ये हो जाएगा फाइव, ये हो जाएगा टू इज इक्वल टू वन इंटू वन बाई थ्री वन बाई थ्री जीरो जीरो वन ए। अब इसको हम जीरो बनाएंगे तो आर टू के जगह पे लिख सकते हैं आर टू माइनस फाइव टाइम्स ऑफ आर वन। ओके, वन वन बाई थ्री फाइव माइनस फाइव टाइम्स ऑफ वन, ये हो जाएगा जीरो, टू माइनस फाइव टाइम्स ऑफ वन बाई थ्री, टू माइनस फाइव टाइम्स ऑफ वन बाई थ्री, तो हो जाएगा माइनस फाइव बाई थ्री, तो टू माइनस फाइव बाई थ्री, टू को हम लोग क्या लिख सकते हैं सिक्स बाई थ्री, सिक्स बाई थ्री माइनस फाइव बाई थ्री, ये हो जाएगा वन बाई थ्री, क्या हुआ टू माइनस फाइव बाई थ्री, तो सिक्स माइनस फाइव वन बाई थ्री। ओके, ये हो जाएगा वन बाई टू जीरो एज इट इज इंटू ए एज इट इज आर टू माइनस फाइव आर वन, तो जीरो माइनस फाइव टाइम्स ऑफ वन बाई थ्री, तो ये हो जाएगा माइनस फाइव बाई थ्री, और हो गया वन माइनस ये जीरो, तो ये वन एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, वन जीरो है, इसको वन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, आर टू के जगह पे थ्री टाइम्स ऑफ आर टू लिखेंगे, ठीक है, ये ऑपरेशंस लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास वन वन बाई थ्री जीरो, थ्री इंटू वन बाई थ्री इज इक्वल टू वन। ओके, ये हो जाएगा वन बाई टू जीरो, ये हो जाएगा माइनस फाइव, ये हो जाएगा थ्री। ओके, अब क्या करेंगे, इसको जीरो बनाना है तो हमें आर वन के जगह पे लिखेंगे आर वन माइनस वन बाई थ्री टाइम्स ऑफ आर टू, ये ऑपरेशन लगाएंगे, ये ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा वन, और ये हो जाएगा जीरो, ये जीरो ये वन। ओके, वन बाई टू माइनस वन बाई थ्री टाइम्स ऑफ माइनस फाइव, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा फाइव बाई थ्री, फाइव बाई थ्री, और ये है सॉरी ये वन बाई थ्री है, वन बाई टू नहीं है, वन बाई थ्री, देखिए यहाँ पे वन बाई थ्री है, यहाँ पे वन बाई टू गलती से वन बाई थ्री, वन बाई थ्री, ठीक है, तो ये वन बाई थ्री माइनस माइनस प्लस फाइव बाई थ्री, फाइव बाई थ्री वन बाई थ्री सिक्स बाई थ्री, सिक्स बाई थ्री इज इक्वल टू टू, ये हो गया जीरो माइनस वन बाई थ्री इंटू थ्री माइनस वन, तो ये हो गया माइनस वन, ये हो गया माइनस फाइव, ये हो गया थ्री इंटू ए, तो ये हो गया आई इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए, ठीक है, तो यहाँ से हमें ए इनवर्स मिल गया टू माइनस फाइव माइनस वन थ्री, तो ये हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर सेवन। ओके, अब आ गया क्वेश्चन नंबर एट, मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर एट गिवेन ए मैट्रिक्स फोर थ्री फाइव फोर। ओके, वी हैव रिटेन ए इक्वल टू आई ए फोर थ्री फाइव फोर इज इक्वल टू वन जीरो जीरो वन इंटू ए। अब इसको वन बनाने के लिए क्या करेंगे, आर वन के जगह पे वन बाई फोर टाइम्स ऑफ आर वन। ओके, वन बाई फोर टाइम्स ऑफ आर वन, तो ये हो जाएगा वन फाइव बाई फोर थ्री फोर इज इक्वल टू वन बाई फोर जीरो जीरो वन इंटू ए। अब इसको जीरो बनाने के लिए क्या करेंगे, आर टू के जगह पे लिखेंगे आर टू माइनस थ्री टाइम्स ऑफ आर वन। ओके, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा वन फाइव बाई फोर एज इट इज और थ्री माइनस थ्री टाइम्स ऑफ वन जीरो, फोर माइनस थ्री टाइम्स ऑफ फाइव बाई फोर, फोर माइनस थ्री टाइम्स ऑफ फाइव बाई फोर, तो थ्री टाइम्स ऑफ फाइव बाई फोर कितना हो जाएगा फिफ्टीन बाई फोर, माइनस फिफ्टीन बाई फोर, तो फोर माइनस फिफ्टीन बाई फोर
फोर को क्या लिख सकते हैं, 16 by 4 - 15 by 4 1 by 4। ओके ये हो गया 1 by 4, ये जीरो ए एज इट इज, ये हो जाएगा 0 - 3 times of R1, तो ये हो जाएगा -3/4, 1 - ये 1 ही रह जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको 1 बनाएंगे, इसको 1 बनाने के आर टू के लिए क्या करेंगे, 4 times of R2 लिख देंगे। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम, 1 - 5/4, ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 1/4, 0 - 3 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 4 into A। अब इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, आर वन के जगह पे आर वन -5/4 times of R2 ऑपरेशंस लगाएंगे। ठीक है, ये ऑपरेशन लगाने से हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1। ओके, ये हो जाएगा 1/4 - 5/4 - -3 - - + 5 into 3 - 15/4 15/4 - 1/4 - 16/4 16/4 = 4। ठीक है, 0 - 5/4 - 4 4 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा -5, ये हो गया -3, और ये हो गया 4 into A। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ गया, A इनवर्स, ये हो गया I इक्वल टू A इंटू A इनवर्स आ गया हमारे पास 4 - 3 - 5 - 4। ये हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। ओके, अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, गिवेन अ मैट्रिक्स 3 2 10 7। ओके, ये मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है, इन्वर्स निकालने के क्या करेंगे, A इक्वल टू I टाइम्स ऑफ A। ओके, A लिख देंगे 3 2 10 7 इज इक्वल टू 1 0 0 1 इंटू A। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको 1 बनाना है, तो R1 के जगह पे 1/3 times of R1 जो है ऑपरेशंस लगाएंगे, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 10/3, ये 2 as it is 7 as it is इज इक्वल टू 1/3 0 0 1 इंटू A। ओके, अब क्या करेंगे, इसको 0 बनाएंगे, R2 के जगह पे R2 - 2 times of R1। ओके, ये हो जाएगा 1, ये 10/3 as it is 2 - 2 0 7 - 2 times of 10/3 2 times of 10/3 क्या हो गया, -20/3 7 - 20/3 7 को क्या लिख सकते, 21/3 21/3 - 20/3 1/3। ओके, ये हो गया 1/3 0 एज इट इज ए एज इट इज 0 - 2 times of A/3 तो -2/3 और 1 का एज इट इज जाएगा, 1 में से 0 जाएगा, 2 times of 0 ही रहेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको 0 बनाएंगे, तो इसको 0 बनाने के लिए R2 को क्या करेंगे, 3 times of R2 से इंटरचेंज कर दें, मतलब ऑपरेशंस लगाएंगे, 1 0 1 ये हो गया 10/3 इज इक्वल टू 1/3 0 - 2 ये हो गया 3। ओके, अब इसको हमें बनाना है 0, तो R1 के जगह पे लिखेंगे R1 - 10/3 times of R2। ओके, ये ऑपरेशन लगाएंगे, ये हमसे क्या आ जाएगा, 1 0 ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/3 - 10/3 - -2 - - + 10 × 2 = 20/3 20 + 1 = 21/3 कितना हो जाएगा 7। ओके, 0 - 3 - 3 कैंसिल आउट, -10 ये हो जाएगा -2, ये हो गया 3, ये हो गया A, यहाँ से आ गया I इक्वल टू A इनवर्स इंटू A, A इनवर्स हमें मिल गया 7 - 2 - 10 - 3 तो ये हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। ओके, अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, गिवेन अ मैट्रिक्स 3 - 4 - 1 - 2। ओके, तो ए मैट्रिक्स है, तो हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू आई टाइम्स ऑफ ए, सो 3 - 4 - 1 - 2 इज इक्वल टू 1 0 0 1 इंटू ए। यहाँ पे क्या करेंगे, आर वन के जगह पे 1/3 times of R1। ओके, तो ये आ जाएगा 1 - 1/3 - 4 2 इज इक्वल टू 1/3 0 0 1 इंटू ए। ठीक है, 1/3 times ओके, 3 × 1/3 1 -1 × 1/3 - 1/3 ये एज इट इज आ जाएगा, और ये 1 × 1/3 1/3 0 0 1 ए। ओके, अब क्या करेंगे, इसको 0 बनाएंगे, आर टू की जगह पे R2 + 4 times of R1। ओके, तो ये हो जाएगा 1, और ये -1/3 एज इट इज -4 + 4 0 2 + 4 times of -1/3 तो 4 times of 1/3 हो जाएगा -4/3 प्लस और माइनस -4/3 तो 2 - 4/3 इज इक्वल टू 2/3। ओके,
इज इक्वल टू ये हो गया 1/3 एज इट इज, ये जीरो, ये हो गया जीरो प्लस 4 टाइम्स ऑफ 1/3 ये हो जाएगा 4/3 और 1 प्लस 4 टाइम्स ऑफ जीरो 1 इंटू ए। अब इसको हम 1 बनाएंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, आर टू के जगह पे 3/2 टाइम्स ऑफ आर टू, ठीक है। ये लगाएंगे ऑपरेशंस तो आप देखिए क्या आता है, 3/2 टाइम्स ऑफ आर टू, ओके। तो ये क्या आ जाएगा, ये तो फर्स्ट रो एज इट इज रह जाएगा, 0 इंटू 3/2 जीरो, 2/3 इंटू 3/2 टू टू कैंसिल आउट, 3 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 1, ओके। ये हो गया 1/3, ये 0, 4/3 इंटू 3/2 3 कैंसिल आउट, 2 से ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 इंटू ए, ओके। अब क्या करेंगे, इसको 0 बनाएंगे, आर वन के जगह पे लिख सकते हैं आर वन प्लस 1/3 टाइम्स ऑफ आर टू, ये ऑपरेशन लगाएंगे, ये ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, फर्स्ट रो में 1 प्लस 1/3 टाइम्स ऑफ 0 1, माइनस 1/3 प्लस 1/3 0 0 1, ओके। 1/3 प्लस 2 इंटू 1/3 2/3 प्लस 1/3 3/3 1, 0 प्लस 3/2 इंटू 1/3 3 कैंसिल आउट, 1/2 और ये हो गया 2 और ये हो गया 3/2 इंटू ए, ये आ गया I इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए, यहाँ से हमें ए इनवर्स मिल गया 1/2 1/2 3/2। तो ये हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10, ओके। देन वी सी क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 गिवेन ए मैट्रिक्स 2 1 -6 -2, ओके। वी रिटेन ए इक्वल टू आई ए, हम ए इक्वल टू आई ए लिख सकते हैं, यहाँ से हो जाएगा 2 1 -6 -2 इज इक्वल टू 1 0 0 1 इंटू ए। अब क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देते हैं, आर वन को आर टू से इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 1 -2 2 -6 इज इक्वल टू 0 1 1 0 इंटू ए। अब इसको 0 बनाना है, आर टू की जगह पे के लिए क्या लिखेंगे, आर टू माइनस 2 टाइम्स ऑफ आर वन, ये ऑपरेशन लगाएंगे, 1 -2 एज इट इज, 2 -2 0, -6 -2 इंटू -2 प्लस 4, तो -6 + 4 ये हो जाएगा -2, ओके। ये हो गया 0 1 एज इट इज, ए एज इट इज, 1 -2 टाइम्स ऑफ 0 1, 0 -2 टाइम्स ऑफ 1 -2, ओके। अब क्या करेंगे, इसको 1 बनाना है तो आर टू के जगह पे हम लिख सकते हैं -1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे आर टू में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1 -2 -1/2 इंटू 0 0, -2 इंटू -1/2 -+2 कैंसिल आउट, 1 इज इक्वल टू 1 0 1 1 इंटू -1/2 -1/2 -2 -+2 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको 0 बनाना है, आर वन के जगह पे लिख सकते हैं आर वन प्लस 2 टाइम्स ऑफ आर टू, ये ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1 0 ये हो जाएगा -2 + 2 0 1 इज इक्वल टू 0 + 2 टाइम्स ऑफ आर टू, 2 इंटू -1/2 क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल आउट, -1 ये हो जाएगा -1, 1 + 2 टाइम्स ऑफ आर टू, 1 + 2 ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -1/2 ये हो जाएगा 1, ओके इंटू ए। तो ये आ गया आई इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए, यहाँ से हमें ए इनवर्स मिल गया -1 -1/2 3 और 1, ये हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 11, ओके। अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 गिवेन ए मैट्रिक्स ए इक्वल टू 6 -2 -3 1, वी रिटेन ए इक्वल टू आई ए, ओके। देन वी शो ए इक्वल टू आई ए 6 -2 -3 1 इज इक्वल टू 1 0 0 1 इंटू ए, ओके। ये क्या करेंगे, आर वन के जगह पे 1/6 टाइम्स ऑफ आर वन कर देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 6 × 1/6 1, -3 × 1/6 -1/2 3 6 नीचे में 2 हो जाएगा -2 1 इज इक्वल टू 1/6 0 0 1 इंटू ए। इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, आर टू के जगह पे आर टू प्लस 2 टाइम्स ऑफ आर वन, ओके। तो ये हो जाएगा 1 - 1/2 -2 + 2 × 1 - 2 + 2 0 1 + 2 × -1/2 2 × -1/2 क्या हो जाएगा, 2 × -1/2 माइनस हो जाएगा, 2 2 कैंसिल आउट और हो जाएगा 1 - 1 ये हो जाएगा 0,
इज इक्वल टू 1/6 जीरो, और ये हो जाएगा 0 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1/6, ये हो जाएगा 1/3 एंड 1 ये हो जाएगा 1। अब यहाँ से ये देख सकते हैं कि ये जो रो है, रो 2 ऑफ ऑल एलिमेंट विल बी 0, ऑल एलिमेंट विल बी 0, सो इट्स इनवर्स इज नॉट एग्जिस्ट। इसका जो है इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि रो टू के सारे एलिमेंट जीरो हो गए, यहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे वन होना चाहिए था, वन होता तो इन और आगे प्रोसीड करते, लेकिन ये क्या हो गया, जीरो बन गया था, जीरो बन गया तो मतलब ये इसका जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका सीधे हो जाएगा नॉट एग्जिस्ट, आंसर हो जाएगा नॉट एग्जिस्ट। तो ये हो गया सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 12, ओके। अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 13। गिवन अ मैट्रिक्स 2-1-3-2, ए इक्वल टू आई ए हम लिख सकते हैं, तो ये यहाँ से हो जाएगा 2-1-3-2 इज इक्वल टू 1-0-0-1 इंटू ए। क्या करेंगे यहाँ पे, आर वन के जगह पे क्या करेंगे, 1/2 टाइम्स ऑफ आर वन कर देंगे, ठीक है, आर वन के जगह पे 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/2 इंटू 2 1, माइनस 3/2 ये माइनस 1, ये 2 इज इक्वल टू 1/2 0 0 1 इंटू ए, ओके। ये आ गया हमारे पास, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको जीरो बनाएंगे, इसको जीरो बनाने के लिए क्या करेंगे, आर टू के जगह पे आर टू प्लस आर वन, ओके। तो ये हो जाएगा 1-1, ये तो 1 इसी तरह रहेगा, 1 और माइनस 3/2, 1-1 जीरो, 2 और माइनस 3/2, तो 2 को क्या लिख सकते हैं, 4/2, 4/2 माइनस 3/2 1/2, ओके, इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज 0, और 0 प्लस 1/2 1/2, 1 प्लस 0 1 ए। अब इसको हमें 1 बनाना है, तो आर टू के जगह पे क्या कर सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ आर टू, ओके। तो ये क्या आ जाएगा, 1-0-3/2 और ये हो जाएगा 1, ओके। अब ये हो जाएगा 1/2 0 और 1/2 इंटू 2 1 और ये हो जाएगा 1/2, ओके। अब क्या करना है हमें, ये इसको जीरो बनाना है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, आर वन के जगह पे आर वन प्लस 3/2 टाइम्स ऑफ आर टू, ओके। तो ये हो जाएगा 1 0, ये 0 ये 1 इज इक्वल टू 1/2 प्लस 3/2 इंटू 1, तो 3/2 प्लस 1/2 4/2 इज इक्वल टू 2, ये हो गया 0 प्लस 3/2 इंटू 1/2, 3/2 इंटू 1/2 3/4, तो ये हो जाएगा 3/4, ये हो गया 1, ये हो गया 1/2 इंटू ए। तो यहाँ से आ गया I इक्वल टू इनवर्स इंटू ए, तो यहाँ से हमें ए इनवर्स का वैल्यू मिल गया 2, 1, 3/4 एंड 1/2, ओके। तो ये हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। सॉरी यहाँ पे जो है 1/2 नहीं होगा, ये जो है 1 इंटू 2 करना है, तो ये हो जाएगा 2, ओके, ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, ये हो जाएगा 2। अब क्या करना है कि आर वन प्लस 3/2 टाइम्स ऑफ आर टू, तो ये तो हो गया 2 और ये हो गया 0 प्लस 3/2 इंटू 2, 2 का आंसर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, ये 3 हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2, 1, ये 3 और ये हो जाएगा 2, 2, 1, 3, 2। इसका जो हो जाएगा सोल्यूशन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2, 1, 3, 2 इज़ द करेक्ट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था, ये हो जाएगा देखिए क्या, आर टू की जगह पे हमने 2 टाइम्स ऑफ आर टू लिखा था, तो 1 × 2 इज इक्वल टू 2 और यहाँ पे ये ऑपरेशंस लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2, 1, 3, 2, तो ये आ गया ए इनवर्स इज इक्वल टू 2, 1, 3, 2, ये हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 13, ओके। अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 गिवेन अ मैट्रिक्स 2, 4, 1, 2, ओके, हम लोग लिख सकते हैं ए इक्वल टू आई इंटू ए, ओके। तो यहाँ से हो जाएगा 2, 4, 1, 2 इज इक्वल टू 1, 0, 0, 1 इंटू ए। ये क्या करेंगे, यहाँ पे हम आर वन को 1/2 टाइम्स ऑफ आर वन करेंगे, ठीक है, 1/2 टाइम्स ऑफ आर वन करेंगे, तो 1/2 इंटू 2 1, 1 इंटू 1/2 1/2, ये 4/2 एज इट इज इक्वल टू 1/2 इंटू 0, 0, 1 ये ए। अब इसको हमें जीरो बनाना है, इसको जीरो बनाने के लिए क्या करेंगे, आर टू के जगह पे आर टू माइनस 4 टाइम्स ऑफ आर वन, ओके। तो ये हो जाएगा 1, 1/2 एज इट इज, 4-4, 0, 2-4 टाइम्स ऑफ 1/2, 2-4 टाइम्स ऑफ 1/2, -4 इंटू 1/2 -2, 2-2, 0,
इज इक्वल टू 1/2 0 और ये हो जाएगा R2 - 4R1 तो 0 - 4 × 1/2 तो इक्वल टू -2 और ये हो गया 1 - 0 1 इंटू ए। यहाँ पे जो है इस देखिएगा रो 2 का जो एलिमेंट है इसमें लेफ्ट हैंड साइड में वो 0 हो गया, यहाँ लिख देंगे R2 ऑफ ऑल एलिमेंट विल बी 0। सो इनवर्स नॉट एग्जिस्ट, इसका आंसर हो जाएगा नॉट एग्जिस्ट। ये हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। ओके, क्यों हो गया ये नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ये जो है इसके एलिमेंट 0 0 हो गए, यहाँ पे जो होना चाहिए था 1 होना चाहिए था तब इनवर्स एग्जिस्ट करता, लेकिन यहाँ पे जो है 1 नहीं है, 0 हो गया, तो इसलिए हम लिख देंगे R2 ऑफ ऑल एलिमेंट विल बी 0, सो इनवर्स नॉट एग्जिस्ट। ओके, करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 गिवन ए मैट्रिक्स ऑफ थर्ड ऑर्डर 2 2 3 -3 2 -2 3 3 2, ये मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे, लिख सकते हैं A = I × A। ओके, तो यहाँ से क्या करेंगे, हम लिखेंगे 2 2 3 -3 2 -2 3 3 2। ओके, इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ थर्ड ऑर्डर 1 0 0 0 1 0 0 0 0 × A एज इट इज। ओके, फर्स्ट क्या करेंगे हम लोग, इसको 1 बनाएंगे, इसको 1 बनाने के लिए कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, R1 को 1/2 × R1 हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, ऑपरेशन लगाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद हमें क्या मिलेगा, 1/2 × 2 1 -3/2 3/2 2 2 3 3 -2 2। ओके, ये हो जाएगा 1/2 0 0 0 1 0 0 0 × A मैट्रिक्स। ओके, अब क्या करेंगे, इसको 0 बनाएंगे, इसको 0 बनाने के लिए क्या लिखेंगे, R2 के जगह पे R2 - 2 × R1 ये ऑपरेशंस लगाएंगे, ये ऑपरेशन लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो एज इट इज 1 - 3/2 3/2 ये हो गया 2 - 2 × 1 0 -3/2 तो -3/2 × -2 - - +2 2 cancel out ये हो जाएगा +3 तो +3 2 + 3 5 3 - 3/2 × 2 2 2 cancel out -3 तो 3 - 3 0। ओके, और ये रह जाएगा एज इट इज 3 - 2 2 इज इक्वल टू फर्स्ट रो एज इट इज 1/2 0 0 सेकेंड रो 0 - 2 × 1/2 2 × 1/2 2 2 cancel out -1। ओके, 1 - 2 × 0 1 एंड 0 - 0 0 ये हो जाएगा 0 0 ये 1 हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा 1। ओके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है, तो ये हो गया, ये आ गया 1/2 0 0 -1 0 1 0 0 0 1 × A। अब क्या करेंगे, इसको 0 बनाएंगे, इसको 0 बनाने के लिए क्या लिखेंगे, R3 के जगह पे R3 - 3 × R1। ओके, ये करेंगे तो अब हमें क्या मिल जाएगा, अब हमें मिल जाएगा मैट्रिक्स फर्स्ट रो एज इट इज, सेकेंड रो एज इट इज, थर्ड रो R3 - 3 R1 3 - 3 0 -2 - 3 × -3/2 -+3 × 3 9/2 -2 + 9/2 -2 + 9/2 2 2 4 - 4 ये हो जाएगा 5/2 -5/+5/2। ओके, क्या है, -2 + 9/2 9/2 हो गया -2 2 2 4 9 - 4 5 5/2 अब ये हो गया 2 - 3 × 3/2 3 × 3/2 -9/2 2 - 9/2 तो 4 - 9/2 -5/2। ओके, ये हो गया, ये आ जाएगा फर्स्ट रो एज इट इज 1 0 0 -1 1 0 और ये हो जाएगा R3 - 3 × R1 तो 0 - 3 × 1/2 -3/2। ओके, 0 - 0 0 1 - 0 1 ओके इंटू ए ये हो गया। अब हम इसे 0 बनाएंगे, 1 बनाएंगे, इसको 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, R2 को हम 1/5 × R2 लिखेंगे, ठीक है, R2 को 1/5 × R2 अब क्या आ जाएगा हमारे पास 1 - 3/2
थ्री बाई टू, जीरो इंटू वन बाई फाइव जीरो, फाइव इंटू वन फाइव वन, जीरो इंटू वन बाई फाइव जीरो जीरो, फाइव बाई टू माइनस फाइव बाई टू इज इक्वल टू वन बाई टू जीरो जीरो, माइनस वन इंटू वन बाई फाइव माइनस वन बाई फाइव, वन इंटू वन बाई फाइव वन बाई फाइव जीरो, माइनस थ्री बाई टू जीरो वन इंटू ए। ओके अब क्या करेंगे, इसको जीरो बनाएंगे। इसको जीरो बनाने के लिए क्या करेंगे हम, आर थ्री के जगह पे आर थ्री माइनस फाइव बाई टू टाइम्स ऑफ आर टू करेंगे, ठीक है, फाइव बाई टू टाइम्स ऑफ आर टू। ओके फर्स्ट रो एज इट इज वन, माइनस थ्री बाई टू थ्री बाई टू जीरो वन जीरो, सेकेंड रो एज इट इज, थर्ड रो आर थ्री माइनस फाइव बाई टू टाइम्स ऑफ जीरो, जीरो माइनस फाइव बाई टू टाइम्स ऑफ जीरो जीरो, फाइव बाई टू माइनस फाइव बाई टू टाइम्स ऑफ वन जीरो, माइनस फाइव बाई टू माइनस फाइव बाई टू इंटू जीरो जीरो, तो ये हो जाएगा माइनस फाइव बाई टू एज इट इज। ओके माइनस फाइव बाई टू इंटू जीरो जीरो, तो माइनस फाइव बाई टू माइनस जीरो माइनस फाइव बाई टू, ये हो गया वन बाई टू एज इट इज जीरो जीरो, माइनस वन बाई फाइव वन बाई फाइव जीरो, ये हो जाएगा माइनस थ्री बाई टू आर थ्री माइनस फाइव बाई टू टाइम्स ऑफ आर टू, तो माइनस फाइव बाई टू इंटू माइनस वन बाई फाइव, माइनस माइनस प्लस फाइव फाइव कैंसिल आउट, ये हो जाएगा वन बाई टू, वन बाई टू हो जाएगा पॉजिटिव साइन के साथ, प्लस वन बाई टू माइनस थ्री बाई टू, माइनस थ्री बाई टू प्लस वन बाई टू माइनस टू बाई टू, ये हो जाएगा माइनस वन। ओके ये हो गया जीरो माइनस फाइव बाई टू इंटू वन बाई फाइव, तो माइनस का हो जाएगा माइनस फाइव फाइव कैंसिल आउट, माइनस वन बाई टू, तो जीरो माइनस वन बाई टू माइनस वन बाई टू, वन माइनस जीरो ये हो जाएगा वन। ओके इंटू ए ये हो गया हमारे पास वन जीरो जीरो, ये वन ये जीरो ऑलरेडी हो गया, और ये हो गया अब हमें इसको वन बनाना है, ठीक है, इसको इस एलिमेंट को वन बनाना है, इसको एलिमेंट को वन बनाने के आर थ्री को क्या करेंगे, टू बाई फाइव माइनस टू बाई फाइव टाइम्स ऑफ आर टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस टू बाई फाइव से मल्टीप्लाई कर देंगे आर आर थ्री को, ठीक है, सॉरी आर थ्री को, ये हो जाएगा वन माइनस थ्री बाई टू थ्री बाई टू जीरो वन जीरो, फर्स्ट रो सेकेंड रो एज इट इज, जीरो इंटू माइनस टू बाई फाइव जीरो, जीरो इंटू माइनस टू बाई फाइव जीरो, जीरो इंटू माइनस टू बाई फाइव इंटू माइनस फाइव बाई टू, माइनस माइनस प्लस टू टू कैंसिल आउट, फाइव फाइव कैंसिल आउट, ये हो जाएगा वन। ओके ये फर्स्ट रो एज इट इज, सेकेंड रो भी एज इट इज, और ए एज इट इज, अब ये हो जाएगा माइनस वन इंटू माइनस टू बाई फाइव, तो माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा टू बाई फाइव, माइनस वन बाई टू इंटू माइनस टू बाई फाइव, माइनस माइनस प्लस टू टू कैंसिल आउट, ये हो जाएगा वन बाई फाइव, वन इंटू माइनस टू बाई फाइव माइनस टू बाई फाइव, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, वन जीरो जीरो वन जीरो, और ये वन हो चुका है, अब इसको हमें जीरो बनाना है, ठीक है, इसको जीरो बनाने के लिए क्या करेंगे हम, आर वन के जगह पे आर वन प्लस थ्री बाई टू टाइम्स ऑफ आर टू, ये ऑपरेशन लगाएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा R1 के जगह R1 प्लस थ्री बाई टू, तो 1 प्लस थ्री बाई टू टाइम्स ऑफ जीरो, ये 1 ही रह जाएगा, माइनस थ्री बाई टू प्लस थ्री बाई टू जीरो, थ्री बाई टू प्लस थ्री बाई टू इंटू जीरो, ये रह जाएगा थ्री बाई टू जीरो वन जीरो 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 वन, आर टू एंड आर थ्री विल बी रिमेन अनइफेक्टेड। ओके ये हो जाएगा R1 के जगह पे R1 प्लस थ्री बाई टू आर टू, थ्री बाई टू इंटू माइनस वन बाई फाइव, कितना हो जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस थ्री बाई टेन, माइनस थ्री बाई टेन वन बाई टू माइनस थ्री बाई टेन, वन बाई टू माइनस थ्री बाई टेन। ओके कैसे हुआ देखिए, वन बाई टू आर वन प्लस आर टू, थ्री बाई टू टाइम्स ऑफ आर टू, थ्री बाई टू इंटू वन बाई फाइव, क्या हो जाएगा थ्री बाई टेन, और प्लस माइनस माइनस साइन, तो माइनस थ्री बाई टेन, जीरो प्लस थ्री बाई टू इंटू वन बाई फाइव, ये हो जाएगा थ्री बाई टेन पॉजिटिव साइन के साथ, थ्री बाई टेन, तो ये हो जाएगा थ्री बाई टेन, जीरो प्लस जीरो इंटू थ्री बाई टू जीरो, तो ये जीरो ही रह जाएगा, ये हो जाएगा माइनस वन बाई फाइव, ये हो गया वन बाई फाइव, ये जीरो, ये टू बाई फाइव, ये वन बाई फाइव, ये माइनस टू बाई फाइव। ओके ये हो गया, अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें इंटू ए है। ओके अब जो है वन जीरो 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 वन जीरो जीरो वन, अब इसको हमें जीरो बनाना है, इसको जीरो बनाने के लिए क्या करेंगे, आर वन के जगह पे आर वन माइनस थ्री बाई टू टाइम्स ऑफ आर थ्री। ओके आर वन माइनस थ्री बाई टू टाइम्स ऑफ आर थ्री, ये हो जाएगा वन जीरो, वन माइनस थ्री बाई टू टाइम्स ऑफ जीरो वन, जीरो माइनस जीरो जीरो, थ्री बाई टू माइनस थ्री बाई टू जीरो, ये हो जाएगा जीरो वन जीरो 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 वन। ओके अब ये हो जाएगा वन बाई टू माइनस थ्री बाई टेन, अगर टेन ले ले कॉमन तो ये हो जाएगा फाइव माइनस थ्री टू बाई टेन। ओके इसको हम लोग लिख सकते हैं टेन बाई, इसको हम फाइव फाइव बाई टेन लिख सकते हैं, इसको फाइव बाई टेन, फाइव बाई टेन माइनस थ्री बाई टेन टू बाई टेन, टू बाई टेन मतलब वन बाई फाइव, वन बाई फाइव थ्री बाई टेन,
और इसमें हमें ऑपरेशंस भी लगाना है, आर वन माइनस थ्री बाई टू टाइम्स ऑफ आर थ्री, तो क्या हो जाएगा वन बाई फाइव, तो ये पहले से है, ये थ्री बाई टेन ये जीरो पहले से है, तो इसमें क्या करेंगे आर वन माइनस थ्री बाई टू टाइम्स ऑफ आर थ्री, तो माइनस थ्री बाई टू इंटू टू बाई फाइव, टू टू कैंसिल आउट, माइनस थ्री बाई फाइव हो जाएगा, माइनस थ्री बाई फाइव, तो ये हो जाएगा माइनस थ्री बाई फाइव। ओके अब ये है थ्री बाई टेन, माइनस थ्री बाई टू इंटू वन बाई फाइव, तो हो जाएगा माइनस थ्री बाई टेन, तो माइनस थ्री बाई टेन, और ये हो जाएगा जीरो माइनस थ्री बाई टू इंटू माइनस टू बाई फाइव। क्या है देखिए, फर्स्ट तो ये इसको हमने सॉल्व किया, ये आया वन बाई फाइव, अब क्या करना है आर वन की जगह पे आर वन माइनस थ्री बाई टू टाइम्स ऑफ आर थ्री, थ्री बाई टू इंटू टू बाई फाइव, टू टू कैंसिल आउट थ्री बाई फाइव, तो माइनस थ्री बाई फाइव, बिकॉज हेयर इज माइनस साइन। ओके माइनस थ्री बाई फाइव, थ्री बाई टेन ये रह हो गया, और ये क्या किए थ्री बाई टेन माइनस थ्री बाई टू टाइम्स ऑफ वन बाई फाइव, तो थ्री इंटू थ्री हो जाएगा टू इंटू थ्री बाई टेन, ये हो गया जीरो माइनस थ्री बाई टू, माइनस थ्री बाई टू इंटू आर थ्री माइनस टू बाई फाइव। ओके इंटू ए एज इट इज, और ये सेकेंड रो एज इट इज, माइनस वन बाई फाइव, वन बाई फाइव जीरो, टू बाई फाइव वन बाई फाइव माइनस टू बाई फाइव, ये तो हो गया I इज इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू ए, तो ए इन्वर्स हमारे पास क्या आ गया, इसको अगर हम लोग सॉल्व कर ले तो ए इन्वर्स हमारे पास आ गया वन बाई फाइव माइनस थ्री बाई फाइव इज इक्वल टू टू बाई फाइव माइनस टू बाई फाइव, ये हो गया जीरो, ये हो गया माइनस माइनस प्लस टू टू कैंसिल आउट, ये हो गया थ्री बाई फाइव, ये हो गया माइनस वन बाई फाइव, वन बाई फाइव जीरो, टू बाई फाइव वन बाई फाइव माइनस टू बाई फाइव। ओके इसमें से हम लोग अगर वन बाई फाइव कॉमन ले लें, वन बाई फाइव अगर हम लोग इसमें से कॉमन ले लें, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू वन बाई फाइव टेक कॉमन, तो ये हो जाएगा माइनस टू, ये हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा थ्री, ये हो गया माइनस वन, ये हो गया वन, ये हो गया जीरो, ये हो गया टू, ये हो गया वन, ये हो गया माइनस टू, तो ये आ गया हमारे पास ए इनवर्स, ये हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। ओके अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 16। ओके क्वेश्चन नंबर 16, ए इक्वल टू वन माइनस थ्री टू, थ्री जीरो फाइव, माइनस टू माइनस फाइव जीरो। ओके ये मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ है, हमें इन्वर्स निकालना है, क्या करेंगे ए इक्वल टू आई इंटू ए। ओके तो इसमें क्या करेंगे ए इक्वल टू आई इंटू ए लिखेंगे, ए हो गया वन माइनस थ्री टू, थ्री जीरो फाइव, माइनस टू माइनस फाइव जीरो, इज इक्वल टू वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन, ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए। वन यहाँ पे तो है ऑलरेडी वन है, वन हमें बनाना नहीं पड़ेगा, इसको हमें जीरो करना है, फर्स्ट इसको जीरो करना है, इसको जीरो करने के लिए क्या क्या लिखेंगे आर टू के जगह पे आर टू प्लस थ्री टाइम्स ऑफ आर वन, ये ऑपरेशन लगाएंगे, ये ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा फर्स्ट रो तो एज इट इज, सेकेंड रो माइनस थ्री प्लस थ्री, ये हो जाएगा जीरो, जीरो प्लस थ्री टाइम्स ऑफ थ्री नाइन, माइनस फाइव थ्री टाइम्स ऑफ माइनस टू इज माइनस सिक्स माइनस फाइव माइनस इलेवन, ये हो गया टू फाइव जीरो, वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन इंटू ए। ओके अब इसे हमें जीरो बनाना है, क्या करेंगे आर थ्री के जगह पे आर थ्री माइनस टू टाइम्स ऑफ आर वन। ओके ये ऑपरेशन लगाएंगे, ये ऑपरेशन लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो एज इट इज, सेकेंड रो एज इट इज, थर्ड रो टू माइनस टू इंटू वन जीरो, फाइव माइनस टू टाइम्स ऑफ थ्री, फाइव माइनस सिक्स माइनस वन, जीरो माइनस माइनस टू इंटू माइनस टू प्लस फोर, तो जीरो प्लस फोर। ओके माइनस टू इंटू माइनस टू प्लस फोर, तो हो जाएगा प्लस फोर इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे भी ऑपरेशन लगाना था, आर टू की जगह पे आर टू प्लस थ्री आर वन, तो ये हो जाएगा जीरो प्लस थ्री आर वन, ये हो जाएगा थ्री। ओके और ये हो जाएगा वन प्लस थ्री इंटू जीरो जी वन, और जीरो प्लस जीरो ये थ्री वन जीरो, वन जीरो जीरो थ्री वन जीरो, ये थ्री क्यों होगा, ये है जीरो, इसमें ऑपरेशन क्या लगाएं आर टू की जगह पे आर टू, तो जीरो प्लस थ्री टाइम्स ऑफ आर वन, तो जीरो प्लस थ्री थ्री, और ये वन एज इट इज जीरो 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 वन। ओके अब इसमें हम ये ऑपरेशन लगाएंगे, फर्स्ट रो एज इट इज रह जाएगा, सेकेंड रो एज इट इज रह जाएगा, थर्ड रो आर थ्री माइनस टू टाइम्स ऑफ आर वन, आर थ्री जीरो माइनस टू टाइम्स ऑफ आर वन, तो हो जाएगा माइनस टू, ये हो गया जीरो माइनस टू टाइम्स ऑफ जीरो जीरो, वन माइनस टू टाइम्स ऑफ जीरो वन, तो ये हो गया हमारे पास, ये मैट्रिक्स आ गया। ठीक है अब हम क्या करेंगे,
इसमें 100 हो गया, अब हमें इसे 1 बनाना है, तो हम क्या करेंगे आर टू के जगह पे 1/9 टाइम्स ऑफ आर टू लिख देंगे, ठीक है। इसको अगर हम लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 3 -2, 0 × 1/9 0, 9 × 1/9 1, -11/9 0, -1 4, ओके इज इक्वल टू 100, 3 × 1/9 1/3, ये हो गया 1/9 0, -2 0 1, ओके ये आ गया हमारे पास जब हमने आर टू के जगह पे 1/9 टाइम्स ऑफ आर टू किया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हमें 0 बनाना है, इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, आर थ्री के जगह पे आर थ्री प्लस आर टू कर देंगे, ठीक है। आर थ्री के जगह पे आर थ्री प्लस आर टू, इसको करेंगे तो क्या होगा, 1 3 -2 अनएफेक्टेड, 0 1 -11/9 अनएफेक्टेड, ओके ये हो जाएगा 0 + 0 0, -1 + 1 0, 4 + -11/9 तो 4 - 11/9 9 × 4 36, 36 - 11 25 by 9, ओके इज इक्वल टू 100 1/3 1/9 0, आर थ्री के जगह पे आर थ्री प्लस आर टू, -2 + 1/3 -2 + 1/3 इज इक्वल टू -6 + 1 -5/3, ओके -2 को क्या लिख सकते हैं, -6/3 -6 + 1/3 -5/3 0 + 1/9 1/9 1 + 0 1, ये आ गया हमारे पास 100 10 0। अब हमें इसे 1 बनाना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, आर थ्री के जगह पे 9/25 टाइम्स ऑफ आर थ्री ऑपरेशन लगाएंगे, ठीक है। तब देखते हैं क्या आता है, ये आ जाएगा हमारे पास 1 3 -2 0 1 -11/9। अब क्या करेंगे, 9 × 25/0 × 0 0, ये हो जाएगा 0, 9 9 कैंसिल आउट, 25 25 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 100 1/3 1/9 0, और -5/3 × 9/25 5 से हो जाएगा, ये 5 बार में कैंसिल आउट, वो हो जाएगा 3, ठीक है, माइनस हो जाएगा 5/3 × 9/25 5, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, ऊपर में हो जाएगा 3/5 विथ निगेटिव साइन, ओके 5/3 × देखिए 5/3 × 9/25 विथ माइनस साइन 3, ये 5 -3/5, ओके 1/9 × 9/25 9 9 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 1/25, अब ये हो जाएगा 9/25, ओके इंटू ए, ये आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, 100 10 0 और ये 1 हो गया, अब हम इसे 0 बनाएंगे, ठीक है। इसे 0 बनाने के लिए क्या लिखेंगे, आर वन के जगह पे आर वन -3 टाइम्स ऑफ आर टू, ओके ये ऑपरेशन लगाएंगे, ये ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, आर वन के जगह पर आर वन -3 टाइम्स ऑफ आर वन 1, 1 - 3 टाइम्स ऑफ 0 1, 3 - 3 × 1 0, -2 और -11/9 × -3 -± + 11 × 3 33 33/9 -2 + 33/9, ओके ये हो जाएगा 0 1 -11/9 0 0 1 इज इक्वल टू, ये हो गया 1 - 3 टाइम्स ऑफ आर टू -3 × 1/3 क्या हो जाएगा, -3 × 1/3 3 3 कैंसिल आउट, हो जाएगा -1 1 - 1 0, 0 - 3 टाइम्स ऑफ 1/9 तो 1/9 1/3 हो जाएगा -1/3 0 - 0 ये हो जाएगा 0, ये हो गया 1/3 1/9 0, -3/5 1/25 9/25, ओके इंटू ए मैट्रिक्स, ओके। अब क्या करेंगे, हम इसको 0 बनाएंगे, इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, आर टू के जगह पे आर टू प्लस 11/9 टाइम्स ऑफ आर थ्री, ओके तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो एज इट इज 1 0, और अगर इसको सॉल्व करें 9 × 2 -18 33 -18 इज इक्वल टू 15 15/9, ओके 9 × 2 -18 33 -18 15 15/9 ये हो जाएगा, आर टू जब आर टू प्लस 11/9 टाइम्स ऑफ आर थ्री 0 + 11/9 टाइम्स ऑफ 0 0 1 + 11/9 टाइम्स 0 तो 1 -11/2 + 11/2 0 ये 0 0 1, ओके
इज इक्वल टू जीरो माइनस वन बाई थ्री, जीरो एज इट इज, ए एज इट इज, और ये थर्ड रो एज इट इज माइनस थ्री बाई फाइव, वन बाई ट्वेंटी फाइव, नाइन बाई ट्वेंटी फाइव एज इट इज। सेकेंड रो में चेंज होगा आर टू, जब आर टू प्लस इलेवन बाई नाइन टाइम्स ऑफ आर थ्री, तो ये हो जाएगा वन बाई थ्री प्लस इलेवन बाई नाइन इंटू माइनस थ्री बाई फाइव, इलेवन बाई नाइन इंटू माइनस थ्री बाई फाइव, ये हो जाएगा कैंसिल आउट, ये हो जाएगा इलेवन माइनस इलेवन बाई फिफ्टीन, ओके माइनस इलेवन बाई फिफ्टीन, तो वन बाई थ्री माइनस इलेवन बाई फिफ्टीन, ओके ये हो गया वन बाई नाइन, वन बाई नाइन प्लस इलेवन बाई नाइन इंटू वन बाई ट्वेंटी फाइव, इलेवन बाई नाइन इंटू वन बाई ट्वेंटी फाइव, ओके ये हो गया इलेवन बाई, ये हो गया 225, ओके 25 इंटू नाइन 225, 225 तो ये हो जाएगा 1 बाई नाइन प्लस 11 बाई 225, ओके 11 बाई नाइन टाइम्स ऑफ आर थ्री, 11 बाई नाइन टाइम्स ऑफ 1 बाई 25, और ये हो गया 0 प्लस 11 बाई नाइन इंटू नाइन बाई 25, नाइन एंड कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 11 बाई 25, ओके ये हो गया। अब हम क्या करेंगे इसमें कि इसे हम जीरो बनाएंगे, इसे जीरो बनाने के लिए क्या करेंगे, आर वन के जगह पे आर वन माइनस फिफ्टीन बाई नाइन टाइम्स ऑफ आर थ्री, ओके ये ऑपरेशन हम लगाएंगे, ये ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वन माइनस जीरो टाइम्स वन, जीरो माइनस जीरो जीरो, फिफ्टीन बाई नाइन माइनस फिफ्टीन बाई नाइन जीरो, ये हो जाएगा जीरो वन जीरो 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 वन, ये आ गया हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब क्या करेंगे R1 के जगह पे R1 माइनस फिफ्टीन बाई नाइन टाइम्स ऑफ R3, तो ये हो जाएगा इंटू ए, और ये क्या है माइनस फिफ्टीन बाई नाइन इंटू माइनस थ्री बाई फाइव, ठीक है ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा फाइव से थ्री टाइम्स थ्री थ्री नाइन नाइन वन, ये वन हो जाएगा, तो जीरो प्लस वन ये हो जाएगा वन, ओके। अब क्या करेंगे माइनस वन बाई थ्री और माइनस फिफ्टीन बाई नाइन इंटू वन बाई ट्वेंटी फाइव, फिफ्टीन बाई नाइन इंटू वन बाई ट्वेंटी फाइव विथ माइनस साइन, पाँच ये पंद्रह पाँच पच्चीस तीन से ये तीन चल जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस वन बाई फिफ्टीन, ओके ये क्या किए फाइव से फाइव बार में और ये फाइव से थ्री बार में, थ्री से नाइन थ्री बार में, तो ये हो जाएगा वन बाई फिफ्टीन माइनस वन बाई फिफ्टीन, और ये है माइनस वन बाई थ्री, तो माइनस वन बाई थ्री माइनस वन बाई फिफ्टीन, ओके ये हो जाएगा जीरो माइनस नाइन बाई ट्वेंटी फाइव इंटू फिफ्टीन बाई नाइन, नाइन एंड कैंसिल आउट, फिफ्टीन बाई ट्वेंटी फाइव थ्री बाई फाइव, ये हो जाएगा माइनस थ्री बाई फाइव, और ये हो गया फिफ्टीन, तो अगर हम ले लें तो फाइव फाइव माइनस इलेवन माइनस सिक्स, माइनस सिक्स बाई फिफ्टीन, इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये हो जाएगा ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव प्लस इलेवन थर्टी सिक्स बाई टू ट्वेंटी फाइव, और ये हो जाएगा इलेवन बाई ट्वेंटी फाइव, और ये हो गया माइनस थ्री बाई फाइव, वन बाई ट्वेंटी फाइव, नाइन बाई ट्वेंटी फाइव, तो ये आ गया इसका सॉल्यूशन, ए इनवर्स इज इक्वल टू वन, और इसको सॉल्व कर ले तो ये हो जाएगा फाइव माइनस वन माइनस सिक्स बाई ट्वेंटी फाइव, माइनस थ्री बाई फाइव, माइनस सिक्स बाई फिफ्टीन थर्टी सिक्स बाई टू ट्वेंटी फाइव, और इलेवन बाई ट्वेंटी फाइव माइनस थ्री बाई फाइव, वन बाई ट्वेंटी फाइव, नाइन बाई ट्वेंटी फाइव, ये आ गया। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं वन, और ये हो जाएगा थ्री से टू टाइम्स में, ये फाइव टाइम्स में, तो ये हो जाएगा माइनस टू बाई फाइव, और ये हो जाएगा माइनस थ्री बाई फाइव, ये हो गया फिर से थ्री से टू टाइम्स में, थ्री से फाइव टाइम्स में, ये हो गया नाइन से फोर टाइम्स में, ये नाइन से ट्वेंटी फाइव टाइम्स में, ये इलेवन बाई ट्वेंटी फाइव माइनस थ्री बाई फाइव, वन बाई ट्वेंटी फाइव, नाइन बाई ट्वेंटी फाइव, ये आ गया हमारा ए इनवर्स, ठीक है ए इनवर्स का आ गया ये, तो ये हो गया कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 16, ओके अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 ए मैट्रिक्स 20 250 011 माइनस 103, ये मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे ए इक्वल टू आई ए, ओके ए इक्वल टू आई ए, ए मैट्रिक्स हम लिखेंगे 250011 माइनस 103, ओके इज इक्वल टू 100010001, ओके इंटू ए। अब क्या करेंगे इसे हमें वन बनाना है, वन बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे आर वन के जगह पे वन बाई टू टाइम्स ऑफ आर वन कर देंगे, ठीक है ये ऑपरेशन लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा टू इंटू वन बाई टू वन, जीरो जीरो माइनस वन बाई टू
510013। सेकेंड एंड थर्ड रो इज एज इट इज 1 × 1/2 1/2 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए। अब क्या करेंगे, इसे हमें जीरो बनाना है तो आर टू के जगह पे आर टू माइनस फाइव टाइम्स ऑफ आर वन ये ऑपरेशन लगाएंगे। ये ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1 0 − 1/2 फाइव माइनस फाइव इंटू वन जीरो, 1 − 5 टाइम्स ऑफ जीरो वन, 0 − − प्लस 5/2 तो ये हो जाएगा प्लस 5/2। ओके क्या है, −1/2 इंटू −5 −- प्लस 5/2 ये हो जाएगा 0 1 3 एज इट इज एंड हो गया 1/2 0 0 फर्स्ट रो एज इट इज। सेकेंड रो आर टू माइनस फाइव टाइम्स ऑफ आर वन ये 0 − 5 टाइम्स ऑफ 1/2 −5/2 1 − ये 1 ये हो जाएगा 0 0 0 1 इंटू ए। ओके अब क्या करेंगे, हम इसे जीरो बनाएंगे। इसे जीरो बनाने के लिए क्या करेंगे, आर थ्री के जगह पे आर थ्री माइनस आर टू कर देंगे। ठीक है, आर थ्री माइनस आर टू इसे हमें क्या मिल जाएगा, 1 0 − 1/2 0 1 5/2 0 − 0 0 1 − 1 0 3 − 5/2 तो 3 को क्या लिख सकते हैं, 6/2 6/2 −5/2 1/2। ओके 1/2 0 0 −5/2 1 0 0 − −5/2 तो ये हो जाएगा प्लस 5/2 0 − 1 − 1 1 − 0 1 इंटू ए। अब ये हो गया 1 0 0 1 0। अब हम इसे जीरो बनाएंगे। इसे जीरो बनाने के लिए क्या करेंगे, आर थ्री को टू टाइम्स ऑफ आर थ्री लिख देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 0 − 1/2 0 1 5/2 0 0 ये हो जाएगा 1। ओके ये आ गया मैट्रिक्स, ये हो गया 1/2 0 0 −5/2 1 0 ये हो गया 5/2 इंटू टू 5 −2 ये हो गया 2। ओके ये मैट्रिक्स हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये जीरो ऑलरेडी है, अब हम इसे जीरो बनाएंगे। इसे जीरो बनाने के क्या लिखेंगे, आर टू के जगह पे आर टू माइनस 5/2 टाइम्स ऑफ आर थ्री। ओके तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 0 − 1/2 फर्स्ट रो एज इट इज थर्ड रो एज इट इज 0 0 1 ये हो जाएगा 0 − 5/2 टाइम्स ऑफ 0 0 1 − 0 ये हो जाएगा 1 5/2 − 0 इज इक्वल टू 1/2 0 0 एज इट इज 5 − 2 2 एज इट इज ए एज इट इज। अब ये सेकेंड रो में चेंज आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, −5/2 टाइम्स ऑफ आर थ्री तो आर थ्री हो गया 5 तो −5/2 इंटू 5 −25/2 −25/2 और −5/2 −25/2 −5/2 −30/2 ये हो जाएगा −15। ओके और ये हो गया 1 −−+ 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा 5 तो 1 + 5 = 6 0 − 5/2 इंटू 2 2 2 कैंसिल आउट ये हो जाएगा −5 तो ये हो गया −5। ठीक है अब हम क्या करेंगे, इसको जीरो बनाएंगे। इसको जीरो बनाने के लिए क्या करेंगे, हम आर वन के जगह पे आर वन प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ आर थ्री। ओके अब देखते हैं कि इससे क्या होगा, आर वन के जगह पे आर वन प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ आर थ्री कर देंगे ये हो जाएगा 1 + 1/2 टाइम्स ऑफ 0 1 ये हो जाएगा 0 − 1/2 +1/2 0 0 1 0 0 0 1 तो ये बन गया एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू आर वन के जगह पर आर वन प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ आर थ्री तो 1/2 प्लस 1/2 इंटू 5 5/2 प्लस 1/2 6/2 6/2 हो गया 3। ठीक है ये हो गया 0 + 1/2 इंटू −2 हो गया −1 तो ये हो गया −1 0 + ये हो गया 1 ये हो गया −15 6 −5 5 −2 एंड 2 इंटू ए। ओके तो ये आ गया ए इनवर्स इज इक्वल टू 3 −15 5 −1 6 −2 1 − 5 2 तो ये हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। ओके अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 मैट्रिसेस ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर ओनली इफ फोर ऑप्शन इज गिवेन। फर्स्ट ऑप्शन ए बी इक्वल टू बी ए, सेकेंड ऑप्शन ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू 0, थर्ड ऑप्शन ए बी इक्वल टू 0 बी ए इक्वल टू आई,
फोर्थ ऑप्शन ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन होगा। ये मैंने अभी पहले ही बताया था, पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि ए और बी जो होगा इन्वर्स ऑफ पीछे होता तभी होगा जब ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई होगा, तभी इन्वर्स इसका एग्जिस्ट करेगा। तो ये हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज 3.4 जो है फिनिश होता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।